वाचम इमाम प्रसुप्ताम, इमाम प्रसुप्ताम मम वाचम सरस्वती यो जिनके द्वारा अंतः प्रविश्य मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके सोई हुई सरस्वती को जिसने जगाया। मेरे पास शब्द बोध नहीं था, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आज मुझे वेद वेदांत और व्याकरण आदि का जो बोध हो गया, ये किसने दिलाया? ये मेरे प्रभु के स्पर्श मात्र का, कृपा कटाक्ष मात्र का ही तो प्रभाव है। तो जो मेरे हृदय में प्रवेश करके सोई सरस्वती को जगाए, अन्यश्च और अन्य जो शरीर की इंद्रियां हैं, हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, हाथ पैर नाक कान आंख, ये संपूर्ण इंद्रियां जिसके बल पे आंख देखने के बल को प्राप्त करती है, जिसके प्रभाव से कान सुन सकते हैं, जिसके प्रभाव से हाथ पैर चलते फिरते हैं, लेते देते हैं, ये सब प्रभु आपके ही अंतःपुर में प्रवेश करके, अंतःकरण में प्रवेश करके भूतानामस्मि चेतना, आप ही चैतन्य शक्ति के रूप में विराजमान। ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। प्राणान नमो भगवते, प्राण स्वरूप परमात्मा में प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, आपको प्रणाम कर रहा हूं। स्तुति की है। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? बोले प्रभु बस यही, आपका जो दर्शन मैंने किया है इससे बड़ा कोई लाभ अब हो नहीं सकता। हे नाथ, अपनी गोदी में मुझे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने कहा कि हे कुमार ध्रुव, पहले उस राज सिंहासन पर तुमको बैठना होगा जिससे तुम्हें धकेला गया। देखो, परमात्मा की सन्निधि में जाने से सब कुछ मिलता है। एक सौतेली माता ने उनकी माता और पुत्र दोनों को राजभवन से निकाल दिया था, जबकि वो बड़ी थी, उनका अधिकार पहले था। महापुरुष कहते हैं कि जो तोकू कांटे बबे बाए बोए तू फूल, तो तोकू फूल के फूल हैं और बाकू हैं त्रिशूल। यदि कोई तुम्हारे जीवन में दुख की स्थिति बना रहा है, विरोध पैदा करके विपरीतता दे रहा है आपको, निर्बल समझ करके अपने बल का, धन का, ऐश्वर्य का यदि वो दुरुपयोग करके तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है, तो आप उसको कोसिए मत। परमात्मा से कहिए कि प्रभु मैं तो तेरा हूं, जैसे रखना है रखिए, मैं तो अपने कर्मों के ही फलों का परिणाम लगभग भोग रहा हूं। ऐसी भावना से और दूसरे को दुख न दे करके कभी अवसर मिले तो उसका हित ही करो, तो एक दिन वो आ जाएगा कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा सब कुछ अनुकूलता में बदल जाएगा और वो महाराज ठोकरें खा खा करके और भूगत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, आज माता सुनीति के पुत्र कुमार ध्रुव को भगवान कह रहे हैं क्या चाहिए? तो ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपकी गोदी। भगवान बोले ये तो तुमको मिल ही गई, समय आने पर इसमें आके तुम बैठोगे ही, लेकिन पहले जाओ जिस राज सिंहासन से धकेल के तुम्हें सौतेली माता ने नीचे गिराया था, 36,000 वर्ष तक उस गद्दी पर बैठ करके राजा बन के राज्य करोगे, उसके बाद मेरी गोदी ध्रुवलोक में आओगे और यहां बैठोगे और सप्तऋषि तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। भगवान बर दे करके चले गए, अदृश्य हो गए और कुमार ध्रुव वहां से अपने राज्य की ओर चले। देवऋषि नारद ने वीणा बजाती हुई त्रिलोकी में हल्ला मचा दिया, देखो हमारे मंत्र का प्रभाव, हमने अपने शिष्य को गुरु मंत्र दिया था, उससे 5 वर्ष के बालक को 5 महीने में ही भगवान मिल गए। तो नारद जी की जय जयकार होने लगी, क्योंकि माया को पार करा दे ऐसा गुरु मिल जाए जो माया के पर्दे को फाड़ करके परमात्मा की ओर बढ़ा दे, ऐसे तो नारद ही हैं। जयति जगत माया यस्य काया धवस्ते बचन रचन मेकं केवलं च कलय ध्रुवमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोऽस्मि। हम ब्रह्मा के पुत्र देवऋषि नारद के चरणों में प्रणाम करते हैं कि जिनके मंत्र बल से 5 वर्ष के बालक को 5 महीने में भगवान मिल गए। बड़े बड़े ऋषि महात्मा योगी
ये सब ईर्ष्या करने लगे कि हमारा पूरा जन्म बीता जा रहा है, सैकड़ों वर्ष बीत रही है तप करते करते और भगवत प्राप्ति नहीं हुई, और एक 5 वर्ष के बालक को 5 महीने में भगवान मिल गए। क्यों? क्योंकि यदि गुरु की कृपा और शिष्य का समर्पण दोनों का योग बन जाए महाराज, तो भगवत प्राप्ति में कोई संदेह होता नहीं है। एक समय की बात, एक सज्जन ने, इसी कुछ समय पूर्व की घटना है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज थे, जो नरेंद्र जी के गुरु जी, जो नरेंद्र जी को आप विवेकानंद के नाम से जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का नाम नरेंद्र था। और एक बार ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की प्रणकुटी पर गए और आवाज लगाई, कुंदी खटखटाई थी। गुरुजी ने अंदर से आवाज दी, कौन? बोले यही जानने आया हूं कि कौन, तो तुरंत अपना लिए बोले आ जाओ, और नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। वही श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जिनको माता काली प्रत्यक्ष बात करती थी, माँ बेटे की तरह बात होती थी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज की, वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के इस स्वरूप स्वभाव और उनकी भगवत प्राप्ति को जान करके एक सज्जन शरण में गया और कहा कि गुरुदेव मुझे आपका शिष्य बनना है, मुझे दीक्षा देके चेला बना लीजिए। उसकी उत्कंठा है कि ये मंत्र देंगे तो भगवान से मिला देंगे। गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, पहले तुम हमें समझो, अभी तो तुम हमारा नाम सुन के आए और हम तुम्हें समझें। ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव समिति का आयोजन है, तो गुरु शिष्य दोनों में एक दूसरे को ये बहुत विचार करना चाहिए। आजकल तो केवल नाते मात्र रह गए, सत्यता ये है कि इसके निर्वहन के लिए यदि आज भी कोई चाहे कि हमें भगवान से मिलना है, तो ये नहीं कि भगवान नहीं मिलेंगे। कलयुग में कितनों को भगवान मिले, एकनाथ जी को भगवान मिले, नामदेव जी को भगवान मिले, महाराज मीराबाई को भगवान मिले, सूरदास जी को भगवान मिले, तुलसीदास जी को भगवान मिले। कलयुग में अभी तुलसीदास जी चित्रकूट में, पहले तो चित्रकूट में फटिक शिला के समीप में भगवान का दर्शन हुआ, तो उन्होंने समझा ये धनुष्बाणधारी कोई बहेलिया तो नहीं, तो नेत्र बंद कर लिए। हनुमान जी आए, दर्शन हो गया, बोले काय को हो गया, तो बोले अभी निकले तो यहीं से, बोले वो तो धनुषधारी थे। अरे बोले धनुष्बाण लेके ऐसे जा रहे थे कि जैसे शिकार खेल रहे हैं, और वही राम लक्ष्मण थे। तो बोले मैं तो नेत्र बंद कर लिए, तो कहा चलो अब मंदाकिनी के तट पे पहुंच जाओ। तो मंदाकिनी तट पर जब वो पहुंचे तो तोता बन के हनुमान जी वहां वृक्ष पर बैठ गए, और गोस्वामी जी जहां बैठे थे चंदन गारने लगे। राम लक्ष्मण आए तो तुरंत ही हनुमान जी तोते के रूप में बोल पड़े कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुवीर। तो रघुनाथ जी वहां आए हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी को संकेत हनुमान जी तोते के रूप में कर रहे हैं। तो कलयुग में भगवान त्रेता के राम गोस्वामी जी के गारे हुए चंदन को माथे पे लगा रहे हैं। तो विचार कीजिए, परमात्मा तो तुकाराम जी को मिले, नामदेव जी को मिले, इस कलयुग में कितने लोगों को भगवान का दर्शन हुआ, कबीरदास जी को भगवान मिले। ऐसा जीवन में, लेकिन अब हमें क्यों नहीं मिल रहे? तो बोले उसके लिए कहा है कि बहुत सूरदास हुए, आज भी बहुत सूरदास हैं कि नहीं? बहुत लोग अंधे हैं, लेकिन सूरदास जैसा प्रेम नहीं है। आज भी बहुत माताएं गाती बजाती हैं, लेकिन मीराबाई जैसा भाव नहीं है। आज भी बहुत लोग लिखते हैं कविताएं, लेकिन तुलसीदास जी महाराज जैसी कृति नहीं है। इसलिए आज भी भगवान हर खंभे में बसते हैं, लेकिन प्रहलाद जैसा प्रेम नहीं है। सूर अनेक फिरेकण मांगत पैपद सूर सुस्वाद कहां, पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी सी चाह कहां। श्री राम कथा कितनों ने लिखी तुलसी जैसी मर्जाद कहां, वो नरसिंह बसे प्रति खंभन में पर काढ़न को प्रहलाद कहां। अगर भगवान का कोई भक्त पैदा हो जाए तो भगवान तो प्रकट होने को तत्पर खड़े हैं। तो जाकर के कहा कि गुरुदेव दीक्षा दे दीजिए। गुरुजी ने कहा 1 वर्ष तक हमारे आश्रम में रह के सेवा करो, यदि हमें समझ में आएगा कि तुम शिष्य बनने योग्य हो तो हम अवश्य तुम्हें दीक्षा देंगे। और सुनो,
तुम हमें परखो कि हम गुरु बनने योग्य हैं कि नहीं। आज गुरु बना लिया और कल फिर मन में विकार आया बुराई के लिए, तो गुरु को बनाने के बाद बुराई करने पर ब्रह्मा विष्णु शंकर की शरण भी उसे मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए बनाने से पहले समझ लो कि ये गुरु बनने योग्य हैं कि नहीं। वो बन जाने के बाद कामिनम कृष्ण रूपम ही गुरु मन्नेत मानवा सत्यव्रतम रामचंद्रम नृसिंहम क्रोधिनम तथा कापटम वामनम चैव दोषस्तम न गुरुम स्मरेत। बनने के बाद अगर गुरु में वासना है तो कामिनम कृष्ण रूपम ही, तो कृष्ण स्वरूप है कि 16108 राज पत्नियां थी, राज महसियां, उसके बाद भी गोपियों की चर्चा और प्रेम उनसे करते थे। यदि सत्यव्रतधारी है, आचारवान है, सुमार्गी है, शास्त्र सम्मत जीवन है, तो बोले भगवान राम का अवतार है सत्यव्रतम रामचंद्रम, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्वरूप मेरे गुरुजी हैं। अगर क्रोधी है, दान तो ले जाते, थोड़ी गलती हो जाए समय पे दान दक्षिणा न दो तो क्रोध कर लेते हैं, तो बोले क्रोधो नृसिंहम क्रोधिनम तथा, तो नृसिंह भगवान का अवतार, नृसिंह भगवान क्रोध अवतार लिए। वो कहीं कपटी है कि स्यावड़ी और दक्षिणा लेने तो वर्ष में दो बार आते हैं, छह छह महीने में एक बार, लेकिन कभी ज्ञान उपदेश करते नहीं है, तो कापटम वामनम चैव, तो वामन भगवान के अवतार हैं, लेकिन गुरु दोषस्तम न गुरु स्मरेत, गुरु में दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। फिर कहा एक वर्ष तक तुम हमें समझो, इसलिए गुरु बनावे छान के और पानी पीवे जान के। जब जल पीना है तो पहले पूछ लो भैया जल जहाँ पी रहे हो, पानी पहले पी लिया फिर पूछ रहे आप कौन, और फिर समझ में आया कि वो कह रहे कि हम तो अमुक व्यक्ति हैं, तो उंगली डाल के पलटी कर रहे हैं, तो उससे क्या लाभ। पहले जानो कि जल पीने का स्थान है कि नहीं, फिर जल पियो, और गुरु बनाओ छान के, अच्छी तरह छानबीन कर लो कि जीवन में इनके प्रति श्रद्धा रहेगी, इस योग्य हैं, तब गुरु बनाओ। तो कहा तुम एक वर्ष सेवा करो, एक वर्ष सेवा करी, एक वर्ष जब अवधि पूर्ण हुई तो गुरुजी ने कहा पुत्र हम तो तुम्हारे आचार विचार से संतुष्ट हैं, तुम्हें हम कैसे रह रहे। बोले गुरुजी हम आपको पहचान गए तो फिर तो हम ही गुरु नहीं हो जाएंगे, गुरु तो आप ही हो, कृपा करो हमें तो मंत्र दीक्षा दे के अपना सेवक बना लो। तो गुरुजी ने कहा जाओ मुंडन करा के आ। मुंडन कराने गए, मुंडन करा के लौट करके आए, गुरुजी से निवेदन किया गुरुदेव अब दीक्षा दे दो, स्नान करो। स्नान कराया, सिर पे स्वस्तिक बनाया, सातिया बना करके वस्त्र सिर पे डाल के अंजलि बनाई, और कान में अंजलि लगा करके अपने मुंह को अंजलि से लगाया, और बोले बोलो पुत्र क्या, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये गुरु दीक्षा हो गई, मंत्र हो गया। चेला आज तक तो बड़ा प्रसन्न था कि गुरुजी मंत्र देंगे और वो भी भगवत प्राप्त गुरु हैं, और जब श्री राम जय राम जय जय राम का बोले, ये तो 2.5 साल का बच्चा जानता है, ये मंत्र तो हम पहले ही से जानते थे, गुरुजी ने अलग से क्या दिया। इस मंत्र के लिए एक वर्ष तक सेवा की, इतनी श्रद्धा रखी, वो श्री राम जय राम जय जय राम ये तो हम पहले ही से जानते थे, इससे भगवान मिलते तो अभी तो सभी को मिल गए होते, ये तो संसार ही इस मंत्र को जानता है, अश्रद्धा हो गई। अब चेला तो बने ही गए, गुरुजी जो कहेंगे वो तो करना ही है, तो ऐसे भाव से वो सेवा करते रहे। अब 10-15 दिन निकले, गुरुजी ने देखा